खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में 20 जुलाई को निधन हो गया। शीला दीक्षित का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। वो काफी वक्त से बीमार भी चल रही थी। उनका जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। वो देश की पहली ऐसी महिला थी जो कि लगातार तीन बार मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा वो केरल के राज्यपाल का पद भी संभाल चुकी हैं। हालांकि उनका राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। शीला दीक्षित 1984 से लेकर 1989 तक उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा सांसद रही। 1986 से 1989 तक 1998 के आम चुनाव में दिल्ली की पूर्वी दिल्ली सीट से वह बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी से हार गईं। इसी साल दिल्ली विधानसभा के लिए हर चुनाव में कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव जीतने में सफल रही। इसके बाद वो 1998 से लेकर 2013 तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही। उन्हें साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। शीला दीक्षित को दिल्ली की राजनीति का सबसे कदावर नेता माना जाता है। शीला दीक्षित ने अपनी किताब सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स माय लाइफ में अपने जीवन के उन अतरंग लम्हों को बयान किया है जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। राजनीति की आयरन लेडी ने अपनी लव लाइफ के बारे में भी खुलकर लिखा है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें पहली नजर के प्यार को अपना जीवन साथी बनाने के लिए 2 साल तक का इंतजार करना पड़ा था। शीला दीक्षित ने अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के दौरान ही उनकी पति विनोद से मुलाकात हुई। विनोद ही उनके पहले और आखिरी प्यार थे। किताब में उन्होंने लिखा है कि विनोद उनकी क्लास के 20 स्टूडेंट्स में से सबसे अलग थे। शीला दीक्षित ने लिखा कि ऐसा नहीं है कि पहली नजर में ही प्यार हो गया था, वह काफी अलग सा था। मेरी पहली धारणा भी उसके प्रति अलग सी थी। बतौर शीला 5 फीट 11.5 इंच लंबे विनोद सुंदर सुडौल साथियों के बीच बेहद लोकप्रिय और अच्छे क्रिकेटर थे। संयोग से दोस्तों के प्रेम विवाद को सुलझाने के लिए इन दोनों ने मध्यस्थता की थी, लेकिन उस पंचायत के चक्कर में विनोद और शीला एक दूसरे के काफी करीब आ गए। शीला ने एक दिन दिल की बात शेयर करने के लिए घंटे भर तक विनोद के साथ डीटीसी बस की सवारी की थी। फिर फिरोज शाह रोड स्थित अपनी आंटी के घर पर विनोद के साथ लंबा वक्त गुजारा था। शीला ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है कि विनोद ने बस में ही शादी के लिए प्रपोज किया था। जब वो फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले थे, तब एक दिन पहले 10 नंबर की बस में चांदनी चौक के पास विनोद ने शीला को बताया था कि वो अपनी माँ को बताने जा रहे हैं कि उन्होंने लड़की चुन ली है जिससे वो शादी करेंगे। शीला ने तब विनोद से कहा था कि क्या तुमने उस लड़की से दिल की बात पूछी है। तब विनोद ने कहा था कि नहीं, लेकिन वो लड़की बस में मेरे सीट के आगे बैठी है। शीला ने लिखा है कि इस घटना के कुछ दिन बाद उन्होंने अपने माता पिता को विनोद के बारे में बताया था, लेकिन वो लोग शादी को लेकर आशंकित थे कि विनोद अभी भी स्टूडेंट है तो इनकी गृहस्थी कैसे चलेगी। इसके बाद मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। शीला ने मोतीबाग में एक दोस्त की माँ के नर्सरी स्कूल में 100 रुपए की सैलरी पर नौकरी कर ली और विनोद आईएएस एग्जाम की तैयारी में लग गए। इन दिनों दोनों के बीच मुलाकात नहीं के बराबर होती थी। 1 साल बाद 1959 में विनोद का सिलेक्शन आईएएस के लिए हो गया। शीला ने अपनी किताब में लिखा है कि विनोद यूपी के उन्नाव के कान्ने कुब्ज ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनके पिता उमा शंकर दीक्षित, जिन्हें लोग दादाजी कहते थे, स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी भाषी और उच्च संस्कारों वाले थे। उनसे जब विनोद ने जनपद के एक होटल में मुझसे मुलाकात कराई थी, तब वो काफी नर्वस थी। हालांकि दादाजी ने तब काफी सवाल पूछे थे और आखिर में खुशी जताई थी। बतौर शीला दादाजी ने कहा था कि उन्हें शादी के लिए 2 हफ्ते 2 महीने या 2 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि विनोद की माँ को अंतरजातीय विवाह के लिए मनाना था और इस बीच 2 साल बीत गए। आखिरकार 11 जुलाई 1962 को दोनों की शादी हो गई। इंडिया टाइम 24 न्यूज से साक्षी सिंह की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।